बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां अपने अपने तैयारियों में जुट गई हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात कर तो उत्तर प्रदेश की आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, किस तरह की उसकी तैयारी है निकाय चुनाव को लेकर, तो मेरे साथ ब्रज क्षेत्र की अध्यक्ष मौजूद हैं हृदय चौधरी जी, और मैं उनसे बात कर लेती हूँ, जान लेती क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इनके। जी मैं डॉक्टर हृदय चौधरी, ब्रज प्रांत की अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, हिंदी खबर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी जिस तरह दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में ये सत्ता में है, अगर यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में आपकी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां, क्या मुद्दे रहेंगे, स्थानीय मुद्दे क्या रहने वाले हैं जिनसे आप दावे दे सकते हैं कि आपकी पार्टी को विजय हासिल होगी। देखिए दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया और विश्वास जताया, और आप देख रहे हैं कि एमसीडी में जहां 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, इस बार आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों ने विश्वास जताया और आम आदमी पार्टी ने यह वायदा किया है कि जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी वो दूर करेंगी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हमारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी और प्रदेश के प्रभारी माननीय संजय सिंह जी के द्वारा ये घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में, और हमारे हर एक प्रत्याशी नगर पालिकाओं, नगर पंचायत में इस वायदे के साथ वहाँ पर खड़े होंगे कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, और इसके अतिरिक्त जो साफ स्वच्छ शहर बनाएंगे नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतों को भ्रष्टाचार मुक्त निकाय बनाएंगे, ये हमारा एक वादा रहेगा जनता के लोगों से करेंगे। इसके साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक जो जनता को बहुत पसंद है, आप देख रहे हैं कि हर एक मोहल्ले में अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है तो मोहल्ला क्लिनिक बनेगा जहां पर हम मुफ्त दवाएं दे सकते हैं, परामर्श जो कंसल्ट जो कर सकते हैं वहाँ के लोग। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बीपी की समस्या होती है, शुगर की समस्या होती है, ऐसी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वहाँ वो फ्री टेस्ट करा सकते हैं। और हमारे आम आदमी पार्टी की गारंटी होती है जो वायदे हम करते हैं वो पूरे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमले या झूठ नहीं बोलते हैं। किन मुद्दों को लेकर यह दावा देंगे कि जनता आपको ही चुनेगी, कि हमारी पार्टी गली गली जाएगी, घर घर जाएगी और ये समझाएगी कि कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का बोझ झेल रही है और तमाम टैक्स से जनता परेशान है, ऐसे में आम आदमी पार्टी हाउस टैक्स हाफ वाटर टैक्स माफ का वादा कर रही है, तो ये बहुत बड़ी राहत है और आप देख रहे हैं और ये हमारा वायदा जरूर पूरा होगा। यहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी जीतते हैं और लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ आगरा का ही, जब मैं आगरा में यहाँ रह रही हूँ, स्थानीय समस्या है, आप टेढ़ी बगिया में जाइए, जगजीवन राम एक मोहल्ला है, अभी मैं कुछ दिन पहले गई थी, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, इतनी सड़ांध आ रही थी, बदबू आ रही थी, सोचिए वहां के लोगों का जीवन कितना दुश्वार होगा कि चलना मुश्किल हो रहा था, ऐसे में तमाम बीमारियां हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सीवर की इतनी बड़ी समस्या है, खुले में नालियां हैं, तो ये समस्या है ना, पब्लिक समझ रही है, अगर वही हमारी पार्टी आती है तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी। और जनता ये तो जानती है बहुत अच्छे से कि आम आदमी पार्टी जो भी वादा करती है वो पूरा करती है। जैसे कि आपने कहा कि बीजेपी जुमलेबाजों की पार्टी है, और क्या मानते हैं, क्या कोई क्या क्या योजनाएं उनकी धरातल पर नहीं है, और अगर धरातल पर नहीं है तो कोई 5 योजनाएं गिना दीजिए जो कि उनकी योजनाएं धरातल पर, आप 5 की बात कर रहे हो, ऐसी कौन सी योजना है जो उनकी सफल नहीं है। देखिए पहली योजना, पहली क्या, जो भी योजनाएं उनकी हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, ठीक, दूसरी 2 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की बिजली मुफ्त होगी, ठीक है, उज्ज्वला योजना, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो उनकी धरातल पर सफल नहीं हो पाई हैं। स्मार्ट सिटी का वादा किया था कि नगर निकाय के संकल्प जो पत्र है चुनाव में 2017 का, आप पढ़िएगा, दिखाइएगा, आप अपने चैनल के माध्यम से बताइएगा कि उन्होंने वादा किया था कि निकाय के जो नगर शहर हैं उनको हम स्मार्ट सिटी की तरह विकसित करेंगे। आप बताइए कोई ऐसा शहर बता दीजिए, आपने हमने 5 योजनाएं पूछी, आप कोई ऐसा शहर बता दीजिए जहां पर उन्होंने अपना जो वायदा पूरा किया हो कि नगर विकास को स्मार्ट सिटी तरह बनाएंगे, आप बता दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी मैं जनवरी का 2023 का उदाहरण दे रही हूँ, एटा में 3 लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि वहां के दबंगों लोग परेशान कर रहे थे। अगर हमारी आम आदमी पार्टी आती है तो आपको पता है दिल्ली में जब सरकार नहीं बनी उससे पहले सरकारी स्कूलों में मकड़े के जाले लटक रहे थे, आज वो प्राइवेट स्कूल से अच्छे हैं, 5 साल से लगातार सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो अगर नगर निगम के स्कूल इस तरह से है तो मैं मीडिया से अनुरोध करती हूँ कि ऐसी समस्याएं दिखाया करें, बार बार दिखाया करें, ज्यादा से ज्यादा दिखाया करें कि स्कूल बिल्कुल नगर निगम के हैं, वो अगर हमारी पार्टी आती तो स्कूल में शिक्षा में हमारी पार्टी बहुत बेहतर काम कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये थी हमारे साथ ब्रज क्षेत्र की अध्यक्षा जिन्होंने साफ तौर से बताया कि इस बार
उन्होंने दावा दिया कि इस बार हम बहुत ही अच्छे बहुमत से अपनी जीत हासिल करने वाले हैं और निश्चित ही जनता हमारे जो वायदे हैं उन पर खरी उतरेगी और जनता हमारा साथ देगी। अपने सहयोगी मुकेश के साथ ममता भारद्वाज, हिंदी खबर।